बिग बॉस में सिर्फ एक नाम था जो कि घूम फिर करके बार बार हर सीजन में आ जाती थी और उसको बिग बॉस पता नहीं क्यों बुला भी लेते थे। पर पिछले कुछ सालों में देवोलीना जो कि हमारे न्यू गोपी वह है वो बहुत बार आना शुरू कर चुकी है और बार बार उनको सीजन में बुलाया जाता है। और इस बार जो उन्होंने अपनी वो हरकतें फिर से शुरू कर दी है, पता नहीं कैसे इसको कंटेस्टेंट भी नहीं बोलते, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी नहीं बोलते, बस बुला लेते हैं और उसके बाद से ये हार मोड़ के चली जाती है। ये मैडम ने फिर से एक बार एक टॉपिक पे कूदी मारा है और वो है अरमान मलिक की शादी को लेकर के, उनकी दोनों बीवियों को लेकर के और पायल ने जिस तरह से रिएक्ट किया था विशाल की हरकत पे उस चीज को लेकर के भी। वीडियो को आगे देखने से पहले ही जाकर के कमेंट सेक्शन में तुम लोग कुछ बड़बड़ाने लग जाओ तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अरमान मलिक पहले टिकटॉकर थे, अब यूट्यूबर बन गए हैं और इनको लेकर के भाई मेरे अंदर में कोई भी सहानुभूति नहीं है। बस मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ और उसी सिचुएशन को लेकर के सिर्फ उसी टाइम के लिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा था। वहीं पे अगर विशाल पांडे की बात की जाए तो ये भी एक टिकटॉकर है, इनको भी लोग छपरी बुलाते हैं, अरमान मलिक को भी छपरी बुलाते थे, इनको भी बुलाते हैं। तो मेरे नजर में भाई ये दोनों जो थे वो है और हमेशा रहेंगे। लेकिन इस घर में एंट्री करने के बाद में जो हरकतें हमारे सामने देखी जा रही है उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो बात हो रही है पॉलीगामी को ग्लोरीफाई करने की और विशाल पांडे की हरकत के ऊपर में लोग जस्टिफिकेशन देने लग गए कि अरे वो कौन सा दूध का दूल्हा है, उसके ऊपर में भी रेप केस है। ऑफ कोर्स वो उसके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस है, रेप केस है, लेकिन बिग बॉस में और कैसे लोग ही आते हैं जिनके ऊपर में बहुत सारे कांड हो, जो कि भाई अड़ियल हो, जो बहुत ही कंट्रोवर्सी करने में एक्सपर्ट हो, उन्हीं सारे लोगों को बुलाया जाता है। तो आप लिस्ट उठा करके देख लो। हाँ, इन सारे बागड़ बिल्लों में से एक बागड़ बिल्ला ऐसा भी होता है जिनका कोई कांड नहीं होता, जो एक भूली बिसरी याद होती है वैसे लोगों को भी उठा के रख लेते हैं, जैसे कि पूजा भट्ट, इस वक्त में रणवीर शोरे और ऐसे बहुत सारे लोग हर सीजन में आ चुके हैं। मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले उस चीज के ऊपर में जिसके वजह से सोशल मीडिया पे एक क्लिप बहुत ही अलग तरह से वायरल हो रहा है। मतलब दुनिया कौन से जगह पे जी रही है और ये लोग भाई साहब पता नहीं कौन सा नशा करके घूम रहे हैं। एक बंदे का अचानक से वीडियो आता है जिसमें कहता है कि बिग बॉस ने मुसलमान के हाथ से एक ब्राह्मण को चाटा लगवा दिया और उसके बावजूद भी घर से बाहर नहीं निकाला। वैसे भी उस बंदे ने क्या किया था, तेरी बीवी के बारे में अच्छा ही तो बोला था, वो तो कॉम्प्लीमेंट था भाई। क्या ऐसा कुछ जा करके बाथरूम में कर डाला क्या? अगर ऐसा कर डाला है तू भी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछ, उसका फोटो देख और जा करके तू भी। हाँ, पता है एक डायलॉग है, दूसरी की मार रहा पर अपनी धोती क्यों खोल रहा है, यही चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अरमान मलिक एक मुस्लिम है, भाई ये मुस्लिम नहीं है। इस भाई साहब का नाम संदीप सिंह है, इसके बारे में बहुत सारे कांड ऑलरेडी है जिसके ऊपर में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के ऑलरेडी सोशल मीडिया में देख चुके होंगे या फिर देखने वाले होंगे। तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये संदीप सिंह था और अभी अरमान मलिक क्यों है। और लोगों का अगर ये मानना है कि ये एक मुस्लिम है और एक हिंदू लड़के पे हाथ उठा दिया, तो सबसे पहली चीज ये हिंदू ही, इन्होंने मुसलमान धर्म इसलिए अपनाया ताकि ये दोनों बीवियों के साथ में रह सके, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है और कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जहाँ पे एक बीवी के रहते हुए आप दूसरी शादी कर सकते हो और दूसरी बीवी को साथ में एक ही घर में रख सकते हो। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से इसने मुसलमान धर्म को अपनाया है, अपना संदीप नाम को चेंज करके अरमान मलिक बताया है। और भाई साहब ने भारती सिंह के पॉडकास्ट में जाकर के कहा कि कुछ कूल सा नाम रखना चाहिए, लेकिन उस कूल से नाम के साथ में भाई साहब ने अपना सरनेम भी चेंज किया और अपनी दोनों बीवी और आने वाले जितने बच्चे थे उनका भी नाम बदल दिया और सबके सब मुस्लिम नाम रखे। क्यों? क्योंकि इनको पता है हमारे धर्म में इनको जगह नहीं मिलेगी और लोग कूट डालेंगे, जिसके वजह से इन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया कि भाई हिंदू धर्म में कुछ नहीं हो सकता, मुसलमान धर्म में ऐसा हो सकता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो दिमाग से ये चीज निकाल दो, एक मुसलमान लड़के ने ब्राह्मण लड़के को चांटा बजा दिया और बिग बॉस जो है इस चीज को लेकर के बड़े मजे ले रहा है। बिग बॉस मजे नहीं ले रहा है, बिग बॉस को ये पता है कि इसके वजह से बहुत सारा मसाला आ सकता है और लोग जो है इन तीनों को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब आते हैं देवोलीना के टॉपिक के ऊपर में। देवोलीना कहती है कि जो भी चीज उस औरत के साथ में हुआ है और पायल जिस तरह से इन सारी चीजों को बता रही है, अपनी शादी को ग्लोरीफाई कर रही है, ये तीन लोगों का एक साथ रहना ग्लोरीफाई कर रही है, तुम्हें मुबारक हो, तुम अपने घर के अंदर में रखो, ये बीमारी बाहर मत फैलाओ। आई एम टोटली एग्री विद दिस कि हाँ भाई तू जो कांड कर रहा है वो तू अपने घर के अंदर में रख, तू इसको ग्लोरीफाई करके मत बता। मुझे तो ऐसा लगा कि इसको बिग बॉस में इसीलिए बुलाया गया है कि एक तड़का मिल जाए, दूसरा कि ये भाई साहब कितना झेलते हैं, दोनों बीवी को बीच में कैसे पिसते हैं, इन सारी चीजों को दिखाया जाएगा और लोगों को एक मैसेज पहुंचेगा कि बेटा दो रखने के फायदे नहीं बहुत ही बड़े सजा है, तो ऐसा मत करना। मुझे तो यही लगा था कि यही मैसेज देने के लिए घर पे बुलाया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तीनों बड़े राजी खुशी रह रहे हैं। अब एक चीज आता है कि देवोलीना और सोशल मीडिया में जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि पायल के आंखों में उसका दर्द दिखता है, वो तो अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर ली, इसको हंसी खुशी रहना नहीं कहते, इसको समझौता कहते। अरे मेरे भाई और बहनों सिर्फ एक चीज बताओ, क्या दुनिया में सिंगल मदर नहीं है? क्या दुनिया में सिंगल मदर हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है? क्या उसको शादी करनी जरूरी होती है कि बच्चा हो गया फिर भी शादी करेंगे या फिर
एक टूट गया तो दूसरा बनाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। There's a lots of women who is living single mother and she is so happy. उनको किसी भी चीज के ऊपर में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आजकल हर किसी के पास वो अच्छी खासी एजुकेशन होती है, दे कैन डू अ जॉब और सारी चीजें अपनी मर्जी से और पूरी आजादी के साथ में जी सकती है। तो ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि उसकी मजबूरी थी जिसके वजह से उसने उस दर्द को झेल लिया है। दर्द झेलना होता ना भाई, तो आप कितने वीडियोस बनाते और कितने महीने तक, कितने साल तक? आप लोगों को ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये तीनों लोग, ये मलिक फैमिली जो है, जो कि सिंह फैमिली थी एक टाइम पे, ये लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे, फेम को एंजॉय कर रहे, फेम का फायदा उठा रहे, अपना वर्थ करोड़ों का बना चुके हैं और आपको लगता है कि ये तो भाई समझौता है। कभी भी एक औरत किसी भी तरह से समझौता नहीं करती है, वो उसकी पर्सनल चॉइस होती है। वो बंदी खुश है कि उसके साथ में एक सौतन है, आपको क्या पता? क्या पता उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हो, क्या पता वो इसी चीज का सिंपैथी गेम खेल करके आपकी नजरों में कुछ और दर्शा रही है। आप कुछ भी कह लो, लेकिन बात वहाँ पे खत्म हो जाती है जहाँ पे एक फैमिली के अंदर में तीनों जन अपनी मर्जी के साथ में, अपने चॉइसेस के साथ में सारी चीजें कर रहे और खुश भी है। अब वो बात अलग है कि ये लोग जो व्लॉग बनाते होंगे, ये लोग जो रील्स या फिर टिकटॉक वीडियो बनाते होंगे, उस वक्त में खुश दिखते होंगे और अंदर में गुत्थम गुत्थी कर लेते होंगे। लेकिन भाई एक आदमी 24 घंटा या फिर कई दिनों तक एक्टिंग नहीं कर सकता। ये फैमिली अच्छे तरह से बता चुकी है सोशल मीडिया में आकर के और इस घर में आके कि दे आर सो गुड, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका हस्बैंड अमीर है, इनकी सारे नाज नखरे उठा सकता है और पता नहीं ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये भाई साहब का वही चीज है। अब बात आते हैं विशाल पांडे के इस टॉपिक के ऊपर पे, जिसको लेकर के मुझे लास्ट वीडियो में कहने लग गए और रील्स में भी लोग कहने लग गए, भाई तू ऐसे नाम मत कर, उसका इंटेंशन वो नहीं था। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर तुमने भाभी कह दिया बात क्लियर हो जाती है। अब भाभी को मान के चलो, आपके घर में आपके भाई है, उनकी वाइफ है और अभी ये चीज आप घर के अंदर में कर लो, वो रिश्ता कैसा कहलाएगा? हर रिश्ते का एक दायरा होता है, उस रिश्ते के अंदर में रह करके बातें करनी होती है। अगर आपको उस चीज में कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं रहता, आप खुला बोल दो, खुला कॉम्प्लीमेंट दे दो, लेकिन उस चीज को यार कैसे बताऊं यार, गिल्टी फील कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर फिर भी आपको लगता है कि वो चीज एकदम सही है, तो फिर उस क्लिप के बारे में बात करते हैं जहाँ पे ये बंदा दिन रात निहार रहा है जिम के टाइम पे भाभी को और ये कमेंट पास कर रहा है कि भैया भाग्यशाली, भैया भाग्यशाली, ये जो नारा लगा रहा था ये क्या था भाई? और तो और मुझे हंसी आ रही है कि अभी विशाल पांडे की फैमिली टीवी में 24 आवर लाइव फीड देख रही है और ये कह रही है कि लव कटारिया से दूर रहो, ये बंदा तुमको बर्बाद कर रहा है। दूसरा कि इस औरत ने जरूर तो कुछ किया होगा, मेरे भाई ने ऐसे थोड़ी ना बोल दिया होगा, मेरे भाई की गलती क्या है, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? ये चीज विशाल पांडे के घर के लोग यानी माँ और बहन कह रही है कि उसने क्या गलती कर दिया, तुमने जरूर कुछ किया होगा। ये तो वही वाली बात हो गई, तुम हर तरह से मर्द को सही ठहराओगे और औरत को पूरी तरह से गलत ठहराओगे, क्योंकि उसके ऊपर में रेप हुआ है, उसके ऊपर में कमेंट पास हुए, उसके साथ में छेड़खानी हुई है, तुमने ऐसे किए, तुमने वैसे किए। भाई कहां से कहां जोड़ रहे हो, फैंडम समझ में आता है कि आप डाई हार्ट फैन हो, लोग जाकर के कह रहे अरमान को सपोर्ट करो, लोग जाकर के कह रहे विशाल को सपोर्ट करो। मैं कहता हूं सिचुएशन को देखो और जो उस वक्त में दिख रहा है उस चीज के ऊपर में बोलो और ये पूरा शो उसी चीज के बारे में है, तो फिर ऑडियंस ऐसे क्यों ना सोचे? इस हफ्ते वो किसी और को सपोर्ट कर सकती है, अगले हफ्ते गेम के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनकी सही और गलत के हिसाब से लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो स्टॉप ब्लेमिंग मी कि मैं एक पॉलीगैमिक जो ग्लोरीफाई कर रहा है उसका साथ दे रहा हूं। भाई इस पे सबसे बड़ा साथ तो भारती सिंह दे रही है, उसका हस्बैंड दे रहा है, जो कहता है बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कि आपकी पति को किसी और से आप शादी करवाने के लिए तैयार हो, या हजारों साल पहले आकर के सोच जा चुकी है। भाई वो कहीं ना कहीं उसने कटाक्ष भी मारा है इस डायलॉग का, मतलब जितने भी लोग दिमाग चलाते वो समझ सकते हैं और जो लोग सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन डालना चाहते वो डाल सकते हैं। लेकिन ये पूरा शो जो पॉडकास्ट के अंदर में उन्होंने बकवास किया है, उस बकवास के अंदर में यही समझ में आ रहा है कि भारती सिंह ने भी मजे लिए। ऑडियंस के पास में अपना दिमाग है, ऑडियंस को जो है ना कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो दो दिन के लिए हो सकते हैं, एक महीने के लिए हो सकते हैं, दूसरे दिन कोई और आके वीडियो बनाएगा, उनका नैरेटिव फिर से चेंज हो जाएगा। तो किसी भी तरह से ये मत सोचना कि ऑडियंस को बेवकूफ बनाई जा रही है और ऑडियंस के पास में अक्कल नहीं है। तो जो भी चीज हो रही है उस चीज को लेकर के भाई आप ऐसे सपोर्ट मत करो कि कोई आपके घर के माँ बहन बेटी या फिर आपकी बीवी पे कमेंट पास करे एंड यू विल स्टॉप देयर। और एक चीज, इस बंदे ने ये साबित किया है कि पहली बीवी से ज्यादा दूसरी बीवी से बहुत प्यार करता है। रीजन नंबर वन, इस भाई साहब ने धर्म बदल लिया सिर्फ उस दूसरी के साथ में रहने के लिए और ताकि दोनों को साथ में रख सके। आप समझ लो ये बंदा कितना ज्यादा येड़ा है अपनी बीवियों के साथ में। और उस बंदे की बीवी को अगर कोई नेशनल टेलीविजन पे हल्का सा भी कमेंट पास कर दे और उसके बाद से अगर वो बंदा चुप बैठता है, तो इसमें यही समझ में आता है कि कल को ये बंदा पैसे के लालच में आकर के अपनी बीवी को भी यूज कर सकता है। ऑलरेडी वैसे ये यूज कर रहा है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, यूज कर रहा है, लेकिन कितना भी कमीना इंसान हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड हो या फिर अपनी बीवी के ऊपर में अगर कोई ऐसा कमेंट पास कर रहा है, वो कभी ही नहीं सोचेगा कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कितने पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रेक हो जाएगा, वो सीधा एक्शन लेगा। और ये कौन सी बात हुई, लोग बहुत सारी जगह पे कह रहे मैं कुछ बोली तुमको नहीं पसंद आया, वो कुछ बोला मुझे पसंद नहीं आया, तो इसका मतलब क्या पकड़ के मारू मैं। हर जगह पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, कहीं पे फैंस की वजह से ऐसा नहीं होता है, किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से नहीं होता है, लेकिन घर के किसी फीमेल के ऊपर में बात आ जाती है और वो आपकी फैमिली मेंबर है, सिर्फ फैमिली मेंबर कह रहा हूँ, और अगर आपकी दोस्त भी है, वो बंदी तुम्हारे साथ में, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। एक ही सेंटेंस भाभी जी बहुत सुंदर है, इसी चीज को जो है ना बहुत अलग अलग वे से बोला जा सकता है, एक सिंपल वे भी हो सकता, लेकिन उसने जिस तरह से बोला उसको भी पता है वो गलत है, जिसकी वजह से उसने छुपा करके बोला, वरना वो खुला बोल रहा होता है। तो उसके ऊपर में इस बंदे ने जो रिएक्ट किया, भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ ही वाज राइट, तो वहां तक के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस बंदे के बाहर की लाइफ, इस बंदे की पॉलीगैमी और जो भी चीजें ये लाइफ में करता है, चमन चुतियागिरी हरकत, उसमें मेरा कतई कोई साथ नहीं है, ना ही विशाल पांडे का, ना ही अरमान मलिक का और ना ही किसी भी टिकटॉकर का। नो, नेवर, Never I'll do it. So that's it. That was my opinion. What's your take? आप किस बात से agree करते हो? Agree करते हो या नहीं? फिर से जाकर के comment section में लिख सकते हो. And that was my honest reaction for this. What's your take? Please do comment. यहाँ तक video देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद. मिलूंगा next video में. तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो.